हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा गया है, रोजमेरी वाटर या रोजमेरी एसेंशियल ऑयल कौन सा बेहतर है। अगर आप भी कंफ्यूज हो तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा प्रोडक्ट कैसे काम करता है और आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा। मैंने बोथ रोजमेरी वाटर एंड रोजमेरी एसेंशियल ऑयल यूज किया है और आज मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो चलिए शुरू करते हैं। रोजमेरी वाटर बेसिकली एक DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक है जो कि आप फ्रेश या ड्राइड रोजमेरी लीव्स को पानी में बॉईल करके यूज़ कर सकते हो। ये एक लाइट वेट रिफ्रेशिंग स्प्रे है जो आप डायरेक्टली अपने स्काल्प पे और अपने बालों में लगा सकते हो। ये बहुत आसान है बनाना और आप इसको रोज़ यूज़ कर सकते हो। रोजमेरी वाटर उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका ऑयली स्काल्प है। ये एक जेंटल डेली ट्रीटमेंट है जो स्काल्प को नरिश करता है और हेयर ग्रोथ में मदद करता है और स्काल्प को ऑयलीनेस से भी बचाता है। अब बात करते हैं रोजमेरी ऑयल की। ये रोजमेरी का एक मोर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है। इसको यूजुअली कैरियर ऑयल के साथ मिला के ही यूज़ करना चाहिए। ये डीप नरिशमेंट के लिए बेस्ट है। आप इसे स्काल्प पे मसाज करके कुछ घंटों के लिए छोड़ सकते हैं और उसके बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। रोजमेरी ऑयल उन लोगों के लिए अच्छा है जो हेयर थिनिंग या फिर हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिम्यूलेट करता है और स्काल्प हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपको हेयर ग्रोथ जल्द चाहिए तो आप बोथ यूज़ कर सकते हो, रोजमेरी वाटर भी और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी। बट रोजमेरी एसेंशियल ऑयल कैन मेक योर हेयर ड्राई। सो अगर आपका ड्राई हेयर है और आपको एक ही चूज करना है तो आप रोजमेरी ऑयल चूज कीजिए। अगर आपको डैंड्रफ है तब तो आप ऑयलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डैंड्रफ प्रोड्यूसिंग फंगस जो होते हैं ऑयल से उनको खाना मिलता है। सो उस केस में आप रोजमेरी वाटर ही यूज़ कीजिए। पर्सनली मैं दोनों यूज़ करती हूँ। मेरा ऑयली स्काल्प है सो रोजमेरी वाटर मुझे बहुत फ़ायदा देता है। मतलब हेयर ग्रोथ तो होता ही है, उसके साथ साथ वो ऑयलीनेस को भी कंट्रोल करता है। और जब मेरा हेयर वॉश डे होता है सो हेयर वॉश के 2 घंटे पहले मैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को अपने कैरियर ऑयल में डाल के यूज़ करती हूँ। सो रोजमेरी ऑयल और रोजमेरी वाटर दोनों ही अपने अपने तरीके से बेस्ट है। आपको आपके हेयर टाइप और कंसर्न के हिसाब से चूज करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना आप क्या यूज़ कर रहे हो और आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।